न लाग न लपेट हम तो पूछेंगे श्रीमान, व्योम टीवी के पेज से। नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के पेज पर आपका स्वागत करता हूं। सरकार कौन और एक गरीब के लिए सरकार के मायने क्या है, इन चीजों को थोड़ा सा नजदीक से समझते हैं आज हम लोग। सरकार कौन, इसको परिभाषित करने के लिए बड़ा आसान सा सरल आपके पास एक हथियार है। आप 5 साल में वोट देते हैं, वोट देने के बाद किसी एक दल को बहुमत आता है, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री और यूं कहें प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया जाता है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो विधानसभा की ओर से, और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो लोकसभा की ओर से। अब प्रश्न उठता है, सरकार और एक गरीब दोनों किस तरह से परस्पर सामंजस्य बनाते हैं या एक दूसरे के सदैव विरोधी ही रहते हैं। चलिए, इससे पहले कि इस एपिसोड को स्टार्ट करें, कुछ सवाल मेरा आपसे, कमेंट बॉक्स के नीचे जरूर लिखेंगे आप, जरूर आपसे निवेदन है, आप जरूर लिखेंगे। क्या सरकार बनने से परिस्थितियां बदल जाती है? क्या सरकार बनने से नई चीजें आती हैं? क्या सरकार बनने से आविष्कार बहुत तेजी से बढ़ता है? क्या सरकार बनने से वो सारी चीजें जो आपके मन में चलता है वो धरातल पर दिखता है क्या? थोड़ा और एक सवाल आपके आपसे ही बनता है, क्योंकि आप वोट आप देते हैं तो सवाल भी आपसे बनेगा। सरकार बनने से गरीब की दशा बदलती है क्या? सरकार बनने से महंगाई कम होता है क्या? सरकार बनने से क्या सामाजिक दायित्व जो पहले था उसकी अपेक्षा कम या अधिक होता है क्या? सरकार बन गया, गरीब की दशा बदल गई, अमीर की दशा बदल गई, व्यवसायी की दशा बदल गई, शिक्षकों की दशा बदल गई, सुरक्षा कर्मियों की दशा बदल गई या नहीं? जब एक सरकार बनता है तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। इन उम्मीदों पर खरा उतरने का नाम ही है एक विश्वसनीय सरकार। एक विश्वसनीय सरकार की जब आप परिभाषा अपने आप से पूछेंगे तो आपके पास वह सिंपल सा एक सेंटेंस आकर खड़ा होगा, और वह यह होगा, लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर ला देना ही एक बेहतर सरकार का कार्य है, ना कि केवल घोषणा करना। चलिए हम बात करते हैं किसी भी भारत का राज्य सरकार या भारत का केंद्र सरकार की बात। प्रश्न वहीं आकर खड़ा है, बदलाव कितना परसेंट पहले की अपेक्षा हुआ, विकास पहले की अपेक्षा कितना परसेंट हुआ, नारी सुरक्षा पहले की अपेक्षा कितना बढ़ा या घटा, क्राइम पहले की अपेक्षा कितना बढ़ा या घटा, महंगाई कितना परसेंट पहले की अपेक्षा बढ़ा या घटा, विकास की गाड़ी पहले की अपेक्षा कितना बढ़ी या घटी, रोड पुल पुलिया निर्माण बढ़ा या घटा। प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि हम नागरिक हैं, प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि हम वोट देते हैं, प्रश्न इसलिए भी बनता है क्योंकि यह हमारा हक है। लेकिन हम अपने हक के साथ हकमारी स्वयं अगर कर रहे हों, और अगर सवालों से हम प्रतिनिधियों को वंचित करते हैं, तो उनका कोई जिम्मेवारी नहीं बनता। एक आम आदमी अपने गांव से लेकर शहर से लेकर एक जिला और राज्य को बसाता है, उसी के अंतर्गत समागम के तरीके से देश की परिपाटी चलती है और उसको केंद्र सरकार का नाम दिया जाता है। यूं तो हजारों योजनाएं हैं, अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, जाने की जरूरत नहीं है, पंचवर्षीय योजना से नीति आयोग तक का अगर डाटा आप खंगालते हैं तो इतना तय है, इतना योजना आपको मिल जाएगा कि आपको लिस्ट लिखने में समय कम पड़ जाएगा, लेकिन योजना नहीं कम पड़ेगा। योजनाएं इतनी बनी, फिर गरीबी क्यों नहीं खत्म हुई? कहा जाता है ना, झोपड़ी दे दो लेकिन खोपड़ी मत दो। अब आते हैं शिक्षा की बात। कहा जाता है ना, झोपड़ी दे दो लेकिन वह खोपड़ी जिसके बदौलत वह व्यक्ति एक नया भारत का निर्माण करेगा। प्रश्न तो बनेगा, प्रश्न इसलिए बनेगा क्योंकि आम आदमी आज कहीं ना कहीं अपने आप को किसी भी सरकार में 1% ही सही लेकिन वह छला महसूस करता है। 5 साल तक कोई भी नीति संगत पार्टी अपने इथिकल पॉइंट के साथ, अपने मैनिफेस्टो के साथ काम करने के लिए धरातल पर उतरती है, लेकिन धरातल पर उतरने के बाद जिन चीजों को आम आदमी को 5 साल के अंतर्गत दिखाई नहीं पड़ता है, वहीं से विश्वास का खंडन शुरू होता है। उस विश्वसनीय धारा को वर्तमान
स्किल पर लाकर देखने के लिए आपको एक आम आदमी से जुड़ना पड़ेगा। बहुत सारी राज्य सरकारें यह हवाला देती है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। चलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो इसको एक्सीलेंट में कब लाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर चलना नहीं सीख रहे तो चलना सीखें, चल रहे हैं तो दौड़ना सीखें, अगर दौड़ रहे हैं तो किसी मंजिल को पाना सीखें। अगर हम राज्यों के आपाधापी मूल्यांकन में, अगर हम राज्यों के विकास की गति को मापकर अपनी विकास की गति को तय करेंगे तो मुझे लगता है यह बेईमानी होगी उस राज्य के तमाम राज्यवासियों के साथ जो एक बड़ी उम्मीद के साथ सोचते हैं। अगर एक गांव का आप तुलना दिल्ली के कनॉट पैलेस से कर ले, चलिए मानते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल ले ले, अगर एक गांव की तुलना दिल्ली के कनॉट पैलेस से कर ले, अगर एक गांव की तुलना हम पटना के पटना सिटी के सबसे पॉश इलाके से कर ले, एक गांव की तुलना हम रांची के सबसे पॉश इलाके से कर ले, अगर हम एक गांव की तुलना इंदौर जैसे बड़े शहर से कर ले, विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर से कर ले, तमिलनाडु के सबसे बड़े शहर चेन्नई से कर ले, तो वह गांव कब बनेगा चेन्नई, प्रश्न आकर उठा वहीं। आप कहेंगे आम इंसान की जिम्मेवारी भी तो इसमें है। बिल्कुल है। आती है बात वहीं खड़ा कि क्या हम बदल पाएंगे या नहीं। क्या सरकार के बदलने से केवल झंडा बदलता है और झंडा बदलने से केवल आम आदमी वहीं पर फिर साल दो साल के अंतर्गत आकर रुक जाता है क्या? सरकार आपाधापी वोट की राजनीति के अंतर्गत आपाधापी, इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह आपाधापी का सीधा संबोधन है, मुझे मेरी पार्टी को जिताना है, मुझे मेरी पार्टी को जिताना है। लेकिन वह आम आदमी यदा कदा कभी काल विधायक या सांसद बन जाता है। हम यह नहीं कहेंगे कि नहीं बनता है, लेकिन यह विधायक और सांसद बनने के बाद वह आम आदमी क्या आम रहता है या आम में खास हो जाता है? प्रश्न आकर टीका है, सरकार बदल रही है। प्रश्न आकर टीका है सरकार के बदलने से। प्रश्न आकर टीका है वोट से नई सरकार बनेगी तो नया आविष्कार होगा, नया रोजगार मिलेगा, नया समागम होगा, नया सम्मेलन होगा, नया अधिवेशन होगा। परंतु जो नहीं होगा वह यह होगा कि आम आदमी से बैठकर एक बार बात, आम आदमी से बैठकर कब होगा बात? पुराने जमाने में रजवाड़े के समय में भी राजा लोग अपने मंत्रियों के साथ बैठकर कभी कभी राजतंत्र के अंतर्गत ही आम जनता का जिक्र कर लिया करते थे। आज भी होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं होता है, लेकिन महज ये खानापूर्ति इसलिए कि आपको दिखाना है, पेपर के पन्नों की सुर्खियों में आना है, टीवी के सुर्खियों में आना है, सोशल मीडिया में बने रहना है कि हमने ये काम किया। परंतु एक आम आदमी जो मैंने तुलना किया कि अगर एक गांव का तुलना हम किसी भी भारत के विकसित शहर से कर लें, वह कब वहां तक पहुंचेगा? वहां की शिक्षा नीति वहां कब तक वहां पहुंचेगी? वहां की स्वास्थ्य उस तरीके से कब होगी? वहां का रोड नदी पुलिया कब उतना विकास करेगा जितना कि विशाखापट्टनम में हो रहा? प्रश्न आपके पास भी खड़ा है। वोट की राजनीति हम सभी अपने आंखों के सामने देखते हैं, लेकिन विकास की राजनीति जिस दिन दिखने लगेगी मुझे लगता है जरूर परिवर्तन होगा। न लाग न लपेट इस कार्यक्रम में मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। सदैव मैंने एक बात कहा है, अगर विकास की परिपाटी आपको रचनी है तो आपको समझना पड़ेगा, अपने जनप्रतिनिधियों से मुखर होकर सवाल करना पड़ेगा, अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाकर अपनी समस्याओं को रखना होगा। और अगर आपके समस्याओं के प्रति वह मुखर और प्रखर या बहुत संवेदनशील नहीं है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आगामी 5 साल के बाद हमें वैसे व्यक्तियों के समक्ष जाकर अपनी समस्याओं को रखना है या जिता कर लाना है जिनके अंतर्गत मानवीय मूल्यांकन की परिस्थितियों को समझने की क्षमता हो, जिसमें आम आदमी के प्रति संवेदनशीलता हो, जिसमें आम आदमी की समस्याओं को धरातल से खत्म करने का एक जुनून हो। धन्यवाद। ना पक्ष ना विपक्ष, मैंने सदैव वेम टीवी के पेज से एक आवाज उठाया है, आम आदमी की बात धरातल तक अगर पहुंचती है तभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित होती है। अगर आप अपनी समस्याओं को उन तक नहीं पहुंचाएंगे तो कल दिन आपसे ही वो सवाल करेंगे, आपने अपनी समस्याओं को मुखर और प्रखर होकर या आवेदन के माध्यम से हमारे तक क्यों नहीं पहुंचाया? कमेंट बॉक्स में इतना जरूर लिखें कि न लाग न लपेट पर इस तरह के कार्यक्रम से जो आवाज मैंने बुलंदी के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की है कैसा है। धन्यवाद।